हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाठक केम। आज हम डिस्कस करेंगे FAD मतलब फ्लेमिंग एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ओके, इससे पहले मैं बताया था कि FMN क्या होता है, ठीक है, फ्लेमिंग मोनोन्यूक्लियोटाइड, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर भी इजी है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, दो तीन पर बनाओगे समझ आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको कई बार क्या होता है, FAD का शॉर्ट में क्वेश्चन पूछ देता है 2-3 मार्क्स का, कई बार आपको 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक है। तो मैं किया क्या हूँ, क्योंकि हमारे थ्योरी एग्ज़ाम में ना जगह की कमी होती, इतना जगह नहीं मिला, नहीं मिलता हमको कि हम पूरा डिटेल्स में लिख सकें, ठीक है। इसीलिए मैं इसको ऐसे टाइप ना लिख करके इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया हूँ, ठीक है। फीचर है, सोर्सेस है, बायोलॉजिकल फंक्शन क्या है, स्ट्रक्चर है, ऐसा, ठीक है। तो ऐसे में होता क्या है, एग्जामिनर जब चेक करता है ना, तो उसको इंटरेस्ट भी आता है कि ये लिखा किस टाइप है, ठीक है। तो ऐसे आप लिखेंगे स्टेप बाई स्टेप, फीचर लिख दिए कहाँ मिलता है, क्या होता है, सोर्सेस लिख दिए किससे ये सोर्स है, बायोलॉजिकल फंक्शन लिख दिए, देन इसके स्ट्रक्चर बना दिए, तो ऐसे में आपको नंबर मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक। तो देखते हैं क्या होता है। फ्लेमिंग एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड इज अ रिडॉक्स एक्टिव को एंजाइम एसोसिएट विथ वरियर्स प्रोटीन विच इज इन्वॉल्व विद सेवरल एंजाइमेटिक रिएक्शन इन अ मेटाबॉलिज्म। ओके, इन फ्लेवोप्रोटीन इज अ प्रोटीन दैट कंटेन अ फ्लेविंग ग्रुप विच मे बी इन द फॉर्म ऑफ FAD और FMN। ओके, सोर्सेस अगर बात की जाए तो FAD इज सेंथेसाइज फ्रॉम राइबोफ्लेविंग एंड 2 मॉलिक्यूल ऑफ ATP। ओके, बायोलॉजिकल फंक्शन अगर देखा जाए तो FAD प्ले अ मेजर रोल्स एंड एंजाइम कोफैक्टर अलॉन्ग विद FMN अनदर मॉलिक्यूल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम राइबोफ्लेविंग। ओके, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्लांट कैन प्रोड्यूस राइबोफ्लेविन, बट अदर यूकैरियोटिक सच एज ह्यूमन है, बट अदर यूकैरियोटिक सच एज ह्यूमन हैव लॉस्ट द एबिलिटी टू मेक इट। ओके, स्ट्रक्चर अगर बात की जाए तो स्ट्रक्चर बहुत ईजी है, जैसे कि हम लोग FMN है उसमें पढ़े थे, तो FMN भी इसमें है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्या था, फ्लेविंग मोनोन्यूक्लियोटाइड था, ठीक है, मतलब फ्लेविंग मोनोन्यूक्लियोटाइड, यहाँ पे क्या है, फ्लेविंग एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, मतलब कि एक न्यूक्लियोटाइड इसमें बढ़ गया, तो वहाँ पे क्या था, फ्लेविंग मोनो था, यहाँ पे फ्लोनो फ्लेविंग डाई हो गया। तो यहाँ पे नीचे का आप देखेंगे, ये जो 3 रिंग है और ये जो 2 हाइड्रोक्सिल है, हाइड्रोक्सिल 2 हाइड्रोक्सिल जो कि इसमें डेस फॉर्म में, ये वेज फॉर्म में है, और ये जो 3 रिंग है और ये फॉस्फेट ग्रुप, ये पूरा तीनों क्या, इतना स्ट्रक्चर क्या है, फ्लेविंग मोनोन्यूक्लियोटाइड का है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर और लगा यहाँ पे, एक फॉस्फेट ग्रुप है, और यहाँ पे जो डेस फॉर्म है ये भी डेस फॉर्म, ये एक वेज है, ये वेज और ये एक ग्रुप है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसे डिवाइड करोगे काट काट के, तो क्या होगा, आपको जल्दी से याद होगा। ओके, तो एक सिंपल नोट्स था FAD का। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।